दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी कुकू और आ गई हूँ एक नई कहानी लेके। एक डलिया में संतरे बेचती बूढ़ी औरत से एक युवा अक्सर संतरे खरीदता। अक्सर खरीदे संतरों में से एक संतरा निकाल उसकी एक फांग चखता और कहता, ये कम मीठा लग रहा है। देखो, बूढ़ी औरत संतरे को चखती और प्रतिवाद करती, ना बाबू, मीठा तो है। वो संतरे को वहीं छोड़ जाता, बाकी संतरे लेकर आगे बढ़ जाता। युवा अक्सर अपनी पत्नी के साथ होता था। एक दिन पत्नी ने पूछा, ये संतरे हमेशा मीठे ही होते हैं, पर यह नौटंकी तुम हमेशा क्यों करते हो? युवा ने पत्नी को एक मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे बहुत मीठे बेचती है, पर खुद कभी नहीं खाती। इस तरह मैं उसे संतरा खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया, ये लड़का संतरे लेते इतनी चिक चिक करता है, पर संतरे तोलते हुए मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ। तुम हमेशा उसकी चिक चिक में उसे ज्यादा संतरे तोल देती हो। बूढ़ी माँ ने साथ सब्जी बेचने वाली से कहा, उसकी चिक चिक संतरे के लिए नहीं होती, वो मुझे संतरा खिलाने को लेकर करता है। वो समझता है मैं उसकी बात नहीं समझती, पर मैं उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़ों पर संतरे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने भरोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, पर मुझे तुझ पे भरोसा है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।